सेवा नाम साई बंदे अलग है साई पूजा सेवा नाम साई बंदे अलग है साई पूजा हर जीवों में साई बसा है हर जीवों में साई बसा है कोई न लागे दूजा। ओम साई राम। मैं कोलकाता से लक्ष्मी गुप्ता। मैं बाबा का क्या बताऊं अनुभूति, इतना अनुभूति है, इतना चमत्कार है हम लोग के जीवन में कि मैं बता नहीं पाऊंगी। एक बार मैं बहुत बीमार थी, शिवरात्रि का दिन था, मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था और मैं मंदिर में जाके बैठ के रो रही थी। बोली, बाबा आज शिवरात्रि के दिन में मुझे फीवर आ गया, आपको एक लोटा जल से नहा भी नहीं पाई। उसके बाद मेरी सासू माँ बहुत गुस्सा हुई, मेरे पीछे चिल्लाने लगी, बोली कि क्या तुम बाबा के पास हमेशा बोलते रहती हो, क्या तुम बकबक करती हो, अगर उनमें शक्ति होता तो क्या मेरा बेटा का जॉब चल जाता। उनके छोटे वाले बेटा का जॉब उस समय चला गया था। तो मैं बोली, बाबा क्षमा करना, सबको सद्बुद्धि देना। मैं ये बोल के जाके सो गई। उसके बाद 2-3 सेकंड बाद ही मेरी सेकंड वाली बेटी बहुत ज़ोर से चिल्लाई, मामा जल्दी आओ मंदिर में, जल्दी आओ। मैं गिरते फिरते मंदिर में गई। जब मंदिर में गई तो देख रही हूँ बाबा के माथा से ऊपर से पूरा गंगा जल, जैसे मतलब शिव जी का जल जैसे आता है वैसे पूरा गिरने लगा, ऐसे करके झरझर झरझर पूरा पानी निकलने लगा, पैरों से निकलने लगा, हाथों से निकलने लगा। मैं बोली, ऐसा क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। हम लोग पूरा घबरा गए, बाबा के क्षमा मांगने लगे, साईं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। फिर मेरे सासू माँ आई, आके बाबा से माथा पटक पटक के क्षमा मांगने लगी कि बाबा मैं समझ गई आप हो, मुझे माफ़ कर दो कि मैं ऐसा वर्डिंग बोल दी। लेकिन कुछ नहीं, कोई बाबा सुनने वाले नहीं थे। एकदम जल गिरते जा रहा, हम लोग का टोकिया भर गया, बाल्टी भर गया, बड़ा बड़ा टावल लगा रहे हम लोग मंदिर में, लेकिन पानी तो ऐसे आ रहा, लग रहा कोई कल खोल दिया है। मेरे घर में भीड़ लग गए। आज तक मैं कभी मीडिया में नहीं बताई, आज ये सब मेरा होते रहता है, हमेशा होते रहता है, लेकिन कभी मैं नहीं बताई। लेकिन आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाई बाबा के यहाँ। सब पूछ रहे हैं कि चमत्कार बताओ, इतना चमत्कार हुआ है। उसके बाद मैं बाबा से माफ़ी मांग रही, बाबा क्षमा करो जो भी गलती हुआ। बाबा रुक गया जल। उसके बाद उनको देख रही, एक तरफ का आँख पूरा जैसे बच्चों का सूज नहीं जाता, लाल हो जाता ना पानी में फुल के, उस तरह मेरे बाबा का मूर्ति एक तरफ का लाल हो गया। मैं तावा गरम करके बाबा को सेकी, रात को सेकी, सारा दिन में 20 कपड़ा बदलती थी मैं बाबा का, 20 कपड़ा बदलती थी, इतना गीला हो जाते थे। फिर मैं तावा में सेकती थी। उसके बाद फिर ये सिस्टम दो दिन चला। मेरे घर में लाइन लग गया। हम लोग किसी को नहीं बोले, पता नहीं कहां से पता चल गया, सब आने लगे, सब दर्शन को आने लगे। तो बाबा का इतना चमत्कार है, इतना चमत्कार कि मैं बोल नहीं सकती। मेरी बेटी मनीषा गुप्ता एक दिन में पूरा साईं चरित्र पढ़ लेती है। अगर वो ठान लेती है, कोई मन में बात रहता है, तो पूरा एक दिन में साईं चरित्र पढ़ लेती है। एक बार पढ़ रही थी, आधा से बेसी पढ़ चुकी थी, उसको पता नहीं क्या लगा तो वो उठ के टॉयलेट गई होगी, आके देख रही है कि साईं चरित्र खोल रही है, तो उसमें से इतना उदी एकदम धड़धड़ गिरने लगा। अब वो रोने लगी कि बाबा क्षमा करना, आप इतना चमत्कार करते हो कि मतलब क्या बोले, मतलब कितना भी अनुभूति बोले वो कम है। बोले साईनाथ महाराज की जय। तो ये जो अनुभव है, अरे माइक है ना, तो ये जो अनुभव है, ये साई पूजा चैनल पर आ रहे हैं और ये उदी गिरने का चमत्कार, ये बहुत रियर होता है और उन भक्तों के साथ होता है जहाँ बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं।
तो मैं सुन रही थी खड़े होके, ये इंटरव्यू चल रहा था, मैं सुन रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबा ऐसे भी आपको प्यार जताते हैं। तो जिनको भी एक्सपीरियंस अच्छा लगा है 9918073846 पर हमें बताते रहे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, बहुत अच्छा लगा। और हाय घर साई, घर घर साई, ओम साई राम, ओम जय साई राम, जय साई राम। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।